नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन हम देख रहे हैं, में है, 15 centimeter. एक सेंटीमीटर में फिफ्टीन टर्न्स है तो डेफिनेटली अगर हम इसमें हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि फिफ्टीन हंड्रेड टंस पर मीटर हम लिख सकते हैं टर्न्स पर मीटर हम लिख सकते हैं हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके हैज स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है है ना इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 10 रे टू पावर -4 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया प्लेस इनसाइड अ नॉर्मल टू इट्स एक्सिस इफ करंट कैरी बाय द सोलोनाइट इज चेंजेस फ्रॉम टू एम्पियर टू फोर एम्पियर इन पॉइंट वन सेकेंड वट इज़ द इंड्यूज ई एम एफ इन लूप वाइल करंट इज चेंजिंग ओके हमको एवरेज इंड्यूज ई एम एफ फाइन करना है है ना अगर हम सोलोनाइट की बात करें तो हम यहाँ पर एक सोलोनाइड ऐसा कंसिडर कर सकते हैं ओके okay? ऐसा सोलोनाइट कंसिडर कर सकते हैं और इस सोलोनाइट के एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक लूप रखा है है ना तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर एक लूप यहाँ पर रखा हुआ है अंदर है ना तो हम देख सकते हैं कि इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन जो है एंगल जो है वो जीरो डिग्री है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू जीरो डिग्री तो यहाँ पर फ्लक्स अगर हम लिखें तो वो होगा बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलोनॉइड अगर हम देखते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है एन आई एके एन आई म्यूनोट सॉरी इतना होता है ओके okay. यहाँ पर आ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पर डिपेंड करेगी है ना तो फ्लक्स भी करंट पर डिपेंड करेगा है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन म्यू नोट ए आई और कॉस ज़ीरो वन होता है ओके तो यहाँ पर फाई वन की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे एन म्यू नॉट ए आई वन ओके और फाई टू की अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे एन म्यू नॉट ए आई टू क्योंकि करंट ही हम चेंज कर रहे हैं तो जो डेल्टा फाई होगा वो हो जाएगा एन म्यू नॉट ए आई टू माइनस आई वन ओके और अगर हम डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी जो है वो यहाँ पर पॉइंट वन सेकेंड गिवन है ओके इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हम लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो डेल्टा फाइ जो होगा वो होगा एन म्यू नोट ए आई टू आई टू का वैल्यू यहाँ पर फोर एमपियर दे रखा है और आई वन का वैल्यू टू एमपियर दे रखा है और टाइम यहाँ पर दे रखा है ओके okay. दूसरी सारी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ई e का वैल्यू एन का वैल्यू यहां पर कितना है एन का वैल्यू हमने देखा है यहाँ पर फिफ्टीन हंड्रेड गिवन है तो फिफ्टीन हंड्रेड हम पुट कर देंगे ओके म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता है फोर पाई इन टू टू पावर माइनस सेवन होता है और ए एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर होता है पर एरिया वेक्टर डायरेक्टली यहाँ पर टू इंटू टेंडरस टू पावर टू इंटू टेंडरस टू पावर माइनस फोर हमने देखा ओके फोर माइनस टू जो होगा वो हम टू लिख सकते हैं ये फोर माइनस टू टू डिवाइडेड बाई पॉइंट वन पॉइंट वन से डिवाइड कर देंगे जो ऊपर जाके आ, टेन हो जाएगा तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर फोर इंटू फिफ्टीन लिखेंगे ओके इंटू टू इंटू टू फोर हो जाएगा ओके okay, और पाई एज इट इज़ अब हमको टेंडर्स टू पावर की बात करना है तो टेंडर्स टू पावर यहाँ से प्लस टू आया है ना ये दो जीरो है तो प्लस टू आएगा माइनस सेवन माइनस फोर और नीचे से आया प्लस वन पॉइंट वन है तो ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा ओके okay, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन पाई ओके इंटू टेंडर्स टू पावर यहाँ पर माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन हो जाएगा प्लस वन जो होगा वो माइनस एट वोल्ट हो जाएगा ओके हम यहाँ पर फिफ्टीन और सिक्सटीन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिफ्टीन सिक्स जा नाइन्टी होते हैं है ना और फिफ़्टीन वन जा फिफ्टीन और नाइन हमारे पास में ट्वेंटी फोर होगा तो वन फोर्टी पाई इंटू टेंडर्स टू पावर माइनस एट वोल्ट हमारे पास में आया और इसको हम लिख सकते हैं टू पॉइंट फोर पाई इंटू टू पावर यहाँ पर माइनस सिक्स वोल्ट हो जाएगा ओके okay? पाई का भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच